तू अपना बोल। क्या है मेरा, क्या है कि मैं थक गया हूँ और मेरे से ये अभी नहीं होता है। क्या क्या बोला तू, क्या नहीं होता तेरे से? ये, अरे ये क्या, ये अपना जो भी है तू बोल ना, क्या चाहिए तेरे को? हे गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो वीडियो को लास्ट तक देख कर जाना। आज की इस वीडियो में आपको टिकटॉक पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखने वाले दो स्टार्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मोहक नारंग और जुनैद मलिक की लाइफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप मोहक नारंग और जुनैद मलिक की लाइफ स्टाइल के बारे में फुल डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इन दोनों टिकटॉक स्टार्स की लाइफ स्टाइल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मोहक का पूरा नाम मोहक नारंग है। 3 अप्रैल 1997 में हरियाणा के हिसार क्षेत्र में एक क्यूट से बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम मोहक रखा गया। मोहक बचपन से ही इतने ही क्यूट और हैंडसम थे। इनकी फैमिली के लोग इन्हें प्यार करते ही थे और साथ ही इनके रिलेशन के लोग भी इनकी क्यूटनेस के चलते प्यार करते थे। चलिए, ये तो बात हुई मोहक की। अब आपको बताते हैं जुनैद के बारे में। जुनैद का पूरा नाम जुनैद मलिक है। 20 अगस्त 1998 में दिल्ली रामपुर में एक मुस्लिम हाई मिडिल क्लास फैमिली में एक क्यूट से बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम जुनैद रखा गया। अगर बात की जाए इनकी फैमिली की तो मोहक की फैमिली में मोहक और मोहक के मॉम डैड ही हैं। और वहीं अगर बात करें जुनैद की फैमिली की तो जुनैद की फैमिली में कुल 3 लोग हैं। जुनैद के मॉम डैड, इनके मॉम डैड इन्हें फुल सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि जुनैद जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो करें। गाइज, अगर इन दोनों स्टार्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मोहक अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं और अपना करियर एक्टिंग में बनाना चाहते हैं। तो मोहक, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और आपका जल्द ही एक्टर बनने का ड्रीम पूरा होगा। और वहीं अगर बात करें जुनैद की स्टडी की तो जुनैद अपनी स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट कर चुके हैं और आज की डेट में टिकटॉक पर फुल टाइम आ चुके हैं। तो गाइस, अब तक हमने इन दोनों स्टार्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जाना। चलिए अब आपको बताएंगे मोहक नारंग और जुनैद के टिकटॉक करियर के बारे में। मोहक ने टिकटॉक की दुनिया में साल 2018 में कदम रखा था। उनका फर्स्ट वीडियो अप्रैल 2018 को टिकटॉक पर अपलोड हुआ था। और अगर बात करें जुनैद मलिक के टिकटॉक करियर की तो जुनैद टिकटॉक पर साल 2017 में आए थे। इनका फर्स्ट वीडियो टिकटॉक ऐप पर 26 सितंबर 2017 को अपलोड हुआ था। इनको स्टार्टिंग में ही इनके वीडियोस पर अच्छे व्यूज और लाइक्स मिलते थे। इन दोनों स्टार्स के ज्यादातर फैंस के मन में ये सवाल जरूर होगा कि मोहक और जुनैद टिकटॉक पर कितना अर्न कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, मोहक ने अपनी इनकम के बारे में कहीं भी खुलासा नहीं किया है और वहीं जुनैद टिकटॉक से 45 से 70 के अप्रॉक्स अर्न कर लेते हैं। मोहक का फेवरेट फूड आलू पूरी है। इनके फेवरेट एक्टर आमिर खान और एक्ट्रेस काजोल हैं और इनका फेवरेट प्लेस मुंबई है। अगर बात करें जुनैद की तो जुनैद का फेवरेट फूड मोमोज है और इनके फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर है और इनका फेवरेट प्लेस न्यूयॉर्क है। चलिए दोस्तों, अब आपको इनकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग के बारे में बताते हैं, जिससे शायद ये कहना सरल हो जाएगा कि इन दोनों में से नंबर वन कौन है। मोहक के टिकटॉक अकाउंट पर आज की डेट में 9.1 मिलियन फैंस और इंस्टाग्राम अकाउंट पर 353K फॉलोअर्स हो चुके हैं। और वहीं अगर बात करें जुनैद की फैन फॉलोइंग के बारे में तो जुनैद के टिकटॉक अकाउंट पर 7.3 मिलियन फैंस और इंस्टाग्राम अकाउंट पर 270K फॉलोअर्स हो चुके हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि मोहक नारंग और जुनैद मलिक के बारे में कि इन दोनों में से कौन है नंबर वन आज की डेट में इनकी फैन फॉलोइंग को देखकर, तो हम आपको बता दें कि इन दोनों टिकटॉक स्टार्स में से नंबर वन
मोहक नारंग है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग नीचे कमेंट करो और बताओ कि आपका इन दोनों टिकटॉक स्टार्स में से फेवरेट कौन है। और हाँ, किसी वीडियो की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर आप मोहक नारंग या जुनैद मलिक के बिग फैन हो तो वीडियो के लाइक बटन को एक साथ दबा दो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ, पढ़ी लिखी हूँ मैं। इतनी पढ़ी लिखी, पढ़ी लिखी हो तो इसके स्पेलिंग बताओ। बेबी, घर पे हमारी शादी की बात की है? हाँ बेबी, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज बताओ। घर वाले शादी के लिए मान गए। वाओ, और बैड न्यूज? तुमसे नहीं, किसी और से।